तो गाइज AEW ऑल आउट का पेपर भी अब खत्म हो चुका है। इसमें कई सारे मैचेस देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समाग्राम। तो इसमें क्या क्या देखने को मिला AEW ऑल आउट में, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या देखने को मिला। सबसे पहले इसमें कैसिनो लैडर मैच देखने को मिला। इसमें पार्टिसिपेंट्स थे विलर यूटा, पेंटा L0M, री फिनिक्स, क्लाइडियो कास्टिग्लोरी, रूश, एंड्राइडे एल इडेलो और डांटे मार्टिन। मैच में एक जोकर एंट्रेंट के रूप में मास्क पहनकर कई सुपरस्टार ने भी एंट्री की। सभी ने मास्क निकाल दिया और पता चला कि ये सब स्टॉकली हैथवे के फैक्शन का हिस्सा है। इसके अलावा एक मिस्ट्री मास्क सुपरस्टार ने भी एंट्री की और कैसिनो ब्लैडर मैच की चिप उसके नाम हो गई, तो जोकर सुपरस्टार ने इस मैच को जीत लिया। तो गाइज, इसके बाद हमें ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए फाइनल देखने को मिला। ये मैच डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज वर्सेस केनी ओमेगा और यंग बक्स के बीच हुआ। इस मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से बेहतरीन एक्शन देखने को मिला। इस मैच में हैंगमैन पेज ने गलती से अपनी टीम के जॉन सिल्वर को अपना फिनिशिंग मूव लगाया और केनी ओमेगा और यंग बक्स ने इसका फायदा उठाया और जॉन सिल्वर को पिन करके जीत दर्ज कर ली। अब केनी ओमेगा और यंग बक्स फर्स्ट एवर AEW ट्रियोस चैंपियन बन चुके हैं। वैसे तो कई मैचेस और हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पर हाइप बनी थी उस पर ही बात करते हैं। तो एक सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के बीच मैच हुआ था। इस दौरान क्रिश्चियन केज ने रिंग साइड पर जंगल बॉय के परिवार से बहस की और इसी बीच हमें लूचा सोरस का हील टर्न देखने को मिला। जब जंगल बॉय रिंग में एंट्री कर रहे थे, तभी लूचा सोरस ने आकर अपने ही पार्टनर जंगल बॉय पर अटैक कर दिया। रेफरी ने मैच को रोकने के बारे में पूछा, लेकिन जंगल बॉय ने इनकार किया। इससे मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो गया जब क्रिश्चियन केज ने फिनिशिंग मूव लगाकर उन्हें पिन कर दिया। जीत के बाद लूचा सोरस और क्रिश्चियन केज सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। तो गाइस, इसके बाद हमें क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन डेनियलसन के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच में क्रिस जेरिको ने चुपके से रेफरी ना देख पाए, उस टाइम उन्होंने ब्रायन डेनियलसन पर लो ब्लो लगा दिया। उन्होंने इसके बाद अपना फिनिशिंग मूव जुडास इफेक्ट लगाकर ब्रायन डेनियलसन को पिन कर दिया, जिससे क्रिस जेरिको की जीत हुई। इसके बाद एक बेहतरीन मैच देखने को मिला। यह मैच हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस स्टिंग, डर्बी एलन एंड मीरो के बीच सिक्स मैन टैग टीम मैच हुआ था। इस मैच में एक्शन बहुत तेज स्पीड में देखने को मिला। इस मैच में सभी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। इस मैच के अंत में स्टिंग ने मलकाई ब्लैक के चेहरे पर मिस्ट फेंक दिया, फिर डर्बी एलन ने अपना फिनिशिंग मूव लास्ट सपर लगाकर उन्हें पिन किया और जीत हासिल की। इसके बाद शो का मेन इवेंट देखने को मिला, जो कि जॉन मॉक्सली और सीएम पंक के बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ। इस शानदार मैच में सीएम पंक का खूब खून बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने शानदार फाइट की। अंत में उन्होंने जॉन मॉक्सली पर लगातार दो बार अपना फिनिशिंग मूव GTS लगाया और पिन करके जीत हासिल कर ली। अब सीएम पंक नए AEW वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मैच के बाद एक सरप्राइजिंग एलिमेंट देखने को मिला। तब लाइट बंद हुई और टोनी खान का एक वॉइस मेल सुनाया गया, जिसमें टोनी किसी को आखिरी मौका देने के लिए कह रहे थे। और फिर जो शुरू की कैसिनो लैडर में मैच जीते थे वो नजर आए, तब उन्होंने मास्क उतारा तो पता चला कि असल में वो MJF थे, जिससे कई लोग सरप्राइज होते हुए दिखाई दिए। इससे अब MJF का रिटर्न हो चुका है। अब आने वाले एपिसोड में सीएम पंक और MJF के बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच बुक होता हुआ दिखेगा। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम। थैंक यू।